इधर उत्तर प्रदेश के मऊ की घोसी सीट के उपचुनाव के लिए प्रचार आज थम गया। 5 सितंबर को घोसी सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने सीट पर जीत के लिए पूरा जोर लगाया है और साथ ही अपनी जीत का भरोसा भी प्रकट किया है। मऊ की घोसी सीट का उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी दोनों के लिए बेहद अहम है। प्रचार के दौरान दोनों पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगाया, उपचुनाव में अपनी अपनी पार्टी की जीत का भरोसा जताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी के पाले में जाने वाले दारा सिंह चौहान के लिए ये चुनाव कितनी बड़ी चुनौती साबित होगा। क्या 15 महीने में ही पार्टी बदलने वाले दारा सिंह चौहान पर घोसी की जनता भरोसा जताएगी या इस सीट के सियासी संग्राम में समाजवादी पार्टी बढ़त बनाएगी। उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही यूपी सरकार के तमाम मंत्रियों ने घोसी में प्रचार किया, उपचुनाव में पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया। बीजेपी को यकीन है कि उन्हें सभी वर्ग का साथ मिलेगा। घोसी उपचुनाव में योगी सरकार के कामों का असर दिखेगा। जब आप निश्चित तौर पे आप बाई इलेक्शन में जाते हैं और उसी सीट से बाई इलेक्शन में जाते हैं तो जो वोटर है उसको अपना माइंडसेट स्थिर करने में थोड़ा समय लगता है। ये वही वाली परेशानी, पर जिस प्रकार से आज आपने उत्साह देखा विशेषकर एनडीए के वोटर्स में, निषाद पार्टी, अपना दल, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी और भाजपा के जो कार्यकर्ता आए थे, घोसी की आम जनता आई थी, उनमें जो आपने उत्साह देखा उस उत्साह के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि चुनाव किधर जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जो बीजेपी एंटी मुस्लिम है ये परसेप्शन किसने बनाया? समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, इन्होंने बनाया। और ये क्यों बनाया? क्योंकि एक भ्रम फैला के ये मुसलमानों का वोट लेना चाहते थे और मुसलमान भी कुछ कई बार भ्रमित होके गुमराह होके अगर उन्होंने वोट दिया भी इस पार्टी को तो इस पार्टी ने सिवाय मुसलमानों को दरकिनार करने का और कुछ नहीं किया। 2 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ ने घोसी में प्रचार किया था, अपनी चुनावी सभा में घोसी में जीत का दावा किया था। बगावाज और दंगेबाज आज फिर से मोदी जी को रोकने के लिए एकजुट होकर के फिर से बैरियर बांधने का कार्य कर रहे हैं। आपका कार्य है एक सजग नागरिक के रूप में हर प्रकार के बैरियर को हटाना और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार को सरपट तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करना। उधर शिवपाल यादव तो लगातार घोसी में डेरा जमाए रहे, लगातार क्षेत्र की जनता से मुलाकात करते रहे। यहाँ पर माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है पूरी तरह से, वो इसलिए सभी वर्ग के लोगों का यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह हैं उनको मिल रहा है, तो जीत तो निश्चित है और बड़ी जीत होगी। कांग्रेस पहले ही घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन का ऐलान कर चुकी है, लिहाजा ये उपचुनाव इंडिया गठबंधन की परीक्षा की भी घड़ी है। घोसी की विधानसभा ये लोग हारने जा रहे हैं। मैं घोसी की जनता को बधाई देता हूँ कि उन्होंने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का घोसी से सफाया होगा। उनके जितने भी मंत्री जा रहे हैं, जाते तो हैं घोसी में लेकिन मुंह लटका के वापस आते हैं। दारा सिंह चौहान के लिए घोसी साख की लड़ाई है, साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव के नतीजे बेहद अहम होंगे, राजभर जैसे नेताओं के दबदबे को भी साबित करेंगे। घोसी से कुमार अभिषेक के साथ आज तक भी।